चौकसी है हमारे साथ। इनफैक्ट अदानी के इस बड़े मैटर पर पहले इस मैटर को एक बार और एनालाइज करते हैं, देवेन चौकसी से बात करते हैं। देवेन, गुड आफ्टरनून। आपने सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पूरी उस पूरे अपडेट पर? गुड आफ्टरनून। मैंने पूरा ये 178 पेज का जो रिपोर्ट है वो अभी तक उसका पूरा हम नहीं पढ़ पाए, बट प्राइमा फेसी जो समरी नोट बनी है रिपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर से ऐसा बाहर आता है कि कंपनी ने कोई दूसरा अंदर रॉन्ग, कमिटी हैज नॉट फाउंड द कंपनी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दैट इज व्हाट इज कमिंग आउट वेरी ऑब्वियसली। तो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट व्हिच वन वुड लाइक टू रीड। Second thing, that if the things are not wrong, if the wrong thing has not happened in this particular case, then I think gradually things should be probably working out little bit better, according to me, I think, as far as the stock market and the investor confidence is concerned. And third thing, जो मैं इसके अंदर पढ़ रहा हूँ कि कमिटी ने ज्यादातर सेबी के ऊपर जिम्मेदारी रखी है कि अगर आपको कोई रॉन्गली फाइंड आउट होती है तो आप इन्वेस्टिगेट करें, बट उन्होंने ऐसा भी बताया कि सेबी हैज नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग एज सच आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज व्हाट उन्होंने लिखा है उसके रिपोर्ट में। तो ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुआ नहीं है। आई थिंक सेबी के होने के आने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड नॉट बी ड्रॉइंग एनी अदर रेफरेंसेज एक्सेप्ट द फैक्ट व्हाट एवर हैज बीन स्टेटेड बाय योर कमिटी, वो ऊपर से उसका ध्यान देना चाहिए। देवेन भाई, आपको ये लगता है कि सेबी इसकी जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सेबी खुद ही कह रहा है कि हमको तो जांच करनी है और हमको 6 महीने का समय दिया जाए, और अभी वो सिर्फ कोर्ट उनको 3 महीने का समय दे रहा है। इसका मतलब सेबी जांच करना चाहता है और सेबी को एक डिटेल जांच करनी है, इसलिए वो 6 महीने का समय भी ले रहा है। सर, डिटेल जांच का जो मैं मतलब समझता हूँ वो एक हिसाब से है कि जो हिंडनबर्ग ने जो ऑपरेशन किया है वो ग्लोबल मार्केट में किया है, बॉन्ड में किया है, और वहां पे उन्होंने बोरो करके बॉन्ड्स को बोरो करके बाद में शॉर्ट किया हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ट्रांजेक्शन की वो काफी कॉम्प्लेक्स है। आपने किसके पास से बॉन्ड बोरो किए और कैसे मार्केट पे शॉर्ट किए, वो शॉर्ट पोजीशन जो है उसके अंदर काउंटर पार्टी कौन है, और ये जुरिडिक्शन मेरे ख्याल से सेबी का नहीं है, तो सेबी को अपने काउंटर पार्ट जुरिडिक्शन से ये मदद लेनी पड़ेगी और वहां से उनको ये डिटेल प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर ये डिटेल उनको मिलती है जो सुरक्षित समय के अंदर मिल जाती है, and I think that I think there would be a much better frame of mind I think for completing this entire investigation. Till that point of time it is available, how would they even come to know? Because as far as India market and the derivative market platform is concerned, यहाँ पे कोई तरीके का manipulation नहीं हुआ है उतना तो definitely I think SEBI का भी मानना है। So I think जो manipulation हुआ है वो I think outside the country हुआ है जहाँ पे हमारा jurisdiction नहीं है, तो ये चीज के ऊपर शायद वो टाइम ज्यादा लेना चाहते हैं। मगर एक चीज मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में कि जो बाहर गांव के मार्केट है फॉरेन मार्केट से जहाँ पे हमारे रेगुलेटर का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वहां पे अगर कोई हमारे स्टॉक को कोई भी हिसाब से मैनिपुलेट करता है फॉर व्हाट एवर रीजन, बिकॉज दिस एंटायर ट्रेड इज हैपन इन द बॉन्ड विच इज आउटसाइड अवर मार्केट और इसका इम्प्लीकेशन हमारे मार्केट के ऊपर आया है, तो ये ज्यूरिडिक्शन कैसे आपका एक्सचेंज किया जाए? और इन सच सिचुएशन नोबडी शुड मैनिपुलेट द लिस्टेड मार्केट कंपनीज इन इंडिया बाय प्लेइंग अराउंड इन द अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड और ओवरसीज मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो ज्यूरिडिक्शन आपको कैसे टाइट करना है उसका एक आउटकम बनना जरूरी बनता है। मे बी रेगुलेटर इज कॉग्निशंस ऑफ दिस फैक्ट, सो मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड ब्रिंग आउट सम रेगुलेशन ऑन दिस एज वेल। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया देवेन, आज ये सारे एनालिसिस और ये व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स निकल कर आए इस पूरे मामले पर। अदानी हिंडनबर्ग पर ऐसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे थे और देवेन अपना व्यू भी हमें बता रहे थे। लेकिन